शशांक सिंह राजपूत की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर बेहद ही बड़ी खबर सामने आई। यूं तो आप जानते हैं कि शशांक सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में अमित शाह जी से सीबीआई जांच की अपील की थी। उन्होंने ये बताया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। रिया चक्रवर्ती ने तो इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। बता दें कि रिया चक्रवर्ती की इस शिकायत को अब पुलिस की हरकत में आ चुकी है और अब पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के इस मामले को दर्ज कर लिया है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती पर अब पुलिस की नज़र रहेगी। रिया चक्रवर्ती ने इस मामले को पुलिस में दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने शांता क्रूज थाने में दो इंस्टाग्राम होल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर सुनवाई शुरू कर दी है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर मिली धमकी के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि मुझे गोल्ड डिगर कहा गया, मैं चुप रही। मुझे हत्यारा कहा गया, मैं चुप रही। लेकिन मेरी ये चुप्पी आपको ये कहने का अधिकार नहीं देती कि आप मुझसे बोलो कि आप मेरी जान ले सकती हैं। जो आपने कहा है, क्या आप उसकी उन शब्दों की अहमियत जानते हैं? ये एक अपराध है और कानूनन जुल्म भी। इसके मुताबिक आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से या किसी भी शख्स को इस तरीके से आप शब्द नहीं बोल सकते और ना ही किसी को ऐसे धमकी दे सकते हैं। मैं साइबर क्राइम हेल्पलाइन और साइबर क्राइम इंडिया से निवेदन करती हूँ कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। रिया चक्रवर्ती ने इससे रिलेटेड गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पोस्ट लिखा था कि आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूँ। अब उनके अचानक जाने के एक महीने से उन्हें एक महीने का वक्त बीत चुका है और मुझे आप पर बुरा भरोसा है, आपकी सरकार पर भरोसा है। मैं चाहती हूँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस मामले पर सीबीआई जांच जल्द से जल्द शुरू करें। मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने किसके दबाव में आकर ये कदम उठाया। तो ये है पूरी सच्चाई, जहाँ पर एक तरफ रिया ने अमित शाह जी से सीबीआई जांच की मांग मांगी और दूसरी तरफ पुलिस ने कर दिया मामला दर्ज धमकी मिलने पर। यानी कि रिया चक्रवर्ती की जान है अब पूरी तरह से खतरे में। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।